स्वामी जी, तंत्र पे बात हो रही थी जो है कि तंत्र पे। जी तंत्र को लेकर के जो एक मंत्र आता है, तनुम त्रायते इति तंत्र। तनु माने आपके शरीर को, शरीर को जो आत्म से जोड़ता है। शरीर की सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्मा से जुड़ सके, वो तो जड़ है। आत्मा परम चैतन्य है। इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है, वो है तंत्र। तंत्र एक साधना की शाखा है अपने यहाँ, जो शिव ने प्रारंभ किया था। शिव बहुत सारी मूल्यवान जो धाती है, विरासत है मानव जीवन की, उसके प्रणेता या जड़ के रूप में, सूत्र के रूप में स्थित हैं। लिंग जो है वो आत्म का प्रतीक है, और भैरवी यानी जो लिंग को अपने आकार में स्थिर करती है, स्थापित करती है, वह मातृशक्ति का प्रतीक है। मातृशक्ति का मतलब धारण करने की क्षमता। जैसे गर्भ में एक बच्चे को माँ रिसीव करती है और उसको 9 महीने तक धारण करती है, यह धारणा भी उसकी मातृशक्ति की अभिव्यक्ति है, और लिंग की धारणा भी उसकी मातृशक्ति की अभिव्यक्ति है। क्योंकि लिंग को अगर वो सम्यक रूप से स्थापित नहीं कर पाएगी अपनी योनि में, तो गर्भाधान ही नहीं होगा और पुंसमन नहीं होगा, वो फीटस नहीं डेवलप होगा, नहीं बनेगा। शिव ने एक पुस्तक लिखी है जो उमा को, उनके सारे ग्रंथ उमा को संबोधित हैं। उमा उनकी भैरवी है, उमा उनकी तांत्रिक साधना में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली स्त्री है। इसलिए उनका जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो उमा से कहा है। उमा से क्यों कहा है? इसके पीछे भी एक विज्ञान है। स्त्री जो है वह रिसेप्टिव होती है, उसमें प्रकृति ही यह क्षमता, यह गुणवत्ता डालती है कि वो रिसीव कर सके। तो इसीलिए जितनी भी रिसीविंग एंड वाली चीज़ें हैं वो औरत से जोड़ी जाती हैं, मातृशक्ति से जोड़ी जाती हैं। आपने देखा होगा, शायद खजुराहो गए होंगे, वहाँ के आप स्थापत्य को देखिए, मूर्तियों को देखिए, तो एक एक विलक्षण बात, अगर आपने नोट किया हो दोबारा जाइए, और ख़ासकर अर्धरात्रि में 12 बजे के और 1 बजे के बीच में जाकर के उन मूर्तियों को आप देखिए। आप देखेंगे वे सारी युग्म मूर्तियां हैं, युगल मूर्तियां हैं, और संभोग में या संभोग की पूर्व भूमिका वाले कृत्यों में रत मूर्तियां हैं, किंतु उनके चेहरे पर अपूर्व शांति विराजती है। यह है तंत्र की मूल प्रतिष्ठा। शिव ने एक विज्ञान भैरव तंत्र दिया है, अपने नाम सुना? नहीं सुना। विज्ञान विज्ञान शिव ने, उनका एक ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, जिसमें केवल 108 सूक्त हैं, यानी वो 108 ध्यान विधियां हैं, उसी से 108 दानों की माला का प्रारंभ हुआ। जो माला आपको मिलती है वो 108 दानों की मिलती है, मूल संख्या उसकी। जी, कोई भी माला हो, उसको क्या नाम है उसका? वो है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में उन्होंने 108 मंत्र दिए हैं, सूक्त दिए हैं। उसका एक मंत्र है, मैं आपको बताता हूँ, चूसो और चूसना हो जाओ। चूसो सक और चूसना हो जाओ, जो चूसा जा रहा है वह न बचे वह तिरोहित हो जाए, जो चूस रहा है वह तिरोहित हो जाए, केवल चूसने की क्रिया बचे। जैसे आपकी बेटी पढ़ती है ना केएफ में, किसमती फाउंडेशन में,
कृष्णमूर्ति को मैं सुन रहा था बनारस में, तो उन्होंने कहा वो आप इस वृक्ष को क्या देख सकते हैं बिना अपने पूर्वाग्रह आग्रह या ज्ञान या नॉलेज को बीच में लाए हुए? देखना बहुत कठिन है। इसी को बुद्ध ने सम्यक दर्शन सम्यक पश्चना कहा है। हम लोग विपश्चना की बात कर रहे थे। पश्चना पश्चना मतलब मैं कोई अपने पूर्वाग्रह को लेकर नहीं देख रहा हूँ, मैं अपने किसी रंग को लेकर देख नहीं रहा हूँ। तो इसी तरह से बिल्कुल सरल से सूत्र दिए हैं शिव ने। चूसो चूसना हो जाओ, खाओ खाना हो जाओ, संभोग करो संभोग ही बचे, न संभोग करने वाला बचे न। अब ये भौतिक रूप में तो रहेगा, किंतु आपकी चेतना जैसे 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 आप भीतर की ओर गति करेंगे तो आपकी चेतना उच्चीकृत स्तरों पर होती चली जाएगी। और वो जो वही योनि है, योनि में तो लिंग पड़ा है। कबीर इसको एक दोहे में कहता है कि भग बिच लिंग, लिंग बिच पारा, जो साधे सो गुरु हमारा। ये जो अघोरी है उनका भी अघोर मतलब अघोर, देखिए अघोर का कितना सरल अर्थ है, यानी जो घोर नहीं है, ये है ना। और इसका जो आशय लेते हैं लोग जीवन वाले, वो कहते हैं अरे बड़े बिकट होते डरते हैं, हैं मांस खा लेते हैं, मुर्दे खा क्योंकि लेते हैं, ये स्पष्ट कर है लेते वो हैं, वो कर खुला लेते हैं। खुले से। जबकि उसका मतलब है कि अघोर, अघोर शिव कहा जाता मैं है। उसको बताता हूँ आपको कि पाखंड नहीं है, जो अघोर के पास कोई पाखंड नहीं कोई है, पकड़ नहीं, जो है स्पष्ट है, पारदर्शी स्पष्ट है, है, स्पष्ट है। जबकि ये शिव है। और जो विष्णु है वो घोर है, घोर है वो अंदर क्या है सामने है वो तो है, लेकिन उसके पीछे क्या है वो षड्यंत्र वो ही षड्यंत्र बहुत है, दोगला जबकि है, शिव के पास षड्यंत्र नहीं वो है। बहुत दोगला वो है। जब कुंभ को अमृत समुद्र मंथन के बाद वो अमृत की बात होती है तो देवों को देने की बात होती है, तो पूरी बेमानिया उनको करता ना है। असुरों के पास ना मिले, इसके लिए वो स्त्री रूप धारण कर लेता है। और क्या तो ये उसकी उसका घोर तत्व है। घोर तत्व है और इसीलिए जो कुटिल लोग हैं वो विष्णु विष्णु का। हाँ के विष्णु के अनुयायी बिल्कुल हैं, बिल्कुल और उसी जो को मलंग मानते है, मस्त है, अद्भुत हैं। है, वो बिल्कुल शिव के पास जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं पहले कह रहा हूं ना, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। अघोर और घोर दोनों बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, आपको दिखाई पड़ता है, जैसे घोर है उसको, अब विष्ठा भी अगर आपके शरीर में खूब ढेर सारी भरी हुई है, लेकिन उसमें ऊपर से कुछ चिकन है बना, लेकिन जो अघोरी है वो गंदगी नहीं है, लेकिन बिल्कुल नंगा है, बिल्कुल पवित्र दिख रहा है, बिल्कुल नंगा, बहुत और पवित्र है। पवित्र है भी, और एक बात जबकि और जो कि बताऊं? घोर है वो अपवित्र होता है मेरे हिसाब से। हाँ देखिए, नग्नता नग्नता ही सौंदर्य है। क्यों? सारे कलाकार जितने भी बड़े महान कलाकार हैं वो नग्नता को चित्रित करते हैं। वो वहां कोई कपड़ा और सलवार सूट चित्रित करने नहीं गए। सौंदर्य कहाँ है? सौंदर्य कहाँ है? सौंदर्य पहली बात तो जब आप अपनी दृष्टि को संयोजित करते हैं तो सौंदर्य के लिहाज से वो स्त्री पात्र भी एक भौतिक वस्तु बन जाती है। सौंदर्य कहीं बीच में एक ज्योति की तरह, एक चंपा की लपट की तरह गूंजती है। अस्तित्व तो नहीं, सबको सारे सारे छोटे से कीट से लेकर के एक बड़े से बड़े जीव तक को ही एक अपूर्व सौंदर्य से मंडित किया है। जब हम सौंदर्य के स्तर बनाने लगते हैं, मानक बना लगते हैं, तो स्तर तो हमारे पास होता है लेकिन सौंदर्य नष्ट हो चुका होता है। तो अघोर जो है वो परम सौंदर्य है। तो मैं थोड़ा सा प्रारंभिक साधना करने वालों के लिए भी बताना चाहूँगा। हमारे गुरु पूज्य ओशो ने, पूज्य तो नहीं कहूँगा, कह दिया चुतिया पे मैं, वो हमारे प्रिय हैं, ही इज़ माई फ्रेंड। उन्होंने कहा मैं सारे शिष्यों का अपने मित्र हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। उन्होंने कहा देखो जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसे देखो और देखना हो जाओ।
शिव ने तो कहा चूसो और चूसना हो जाओ। उन्होंने कहा जो भी तुम्हें देखना अच्छा लगता हो उसे देखो, इतनी गहनता में देखो कि देखने वाला तिरोहित हो जाए, देखी जा रही वस्तु तिरोहित हो जाए, केवल देखना बचे। ये है तंत्र का मूल जो थ्रस्ट है, जो मेन थ्रस्ट है साधना के क्षेत्र में। देखिए भक्ति बहुत सारी चीजों को मानती है, मानती है, तंत्र चीजों को जानने पर बल देता है। एक नास्तिक है, बड़े ऊंचे शब्दों में आपसे बार बार कहता है कि मैं नास्तिक हूं, और अपने पोते का मुंडन करेगा तो पंडित से यज्ञ और हवन कराएगा, घर में रामचरितमानस भी रखेगा और उसका पाठ भी करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रामचरितमानस का पाठ न करो, लेकिन तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे अपने चरित्र के पाठ से होगी, किसी राम के चरित्र के पाठ से नहीं होगी। जब अपने चरित्र में, क्यों? क्योंकि राम की जो संभावना थी वही आपकी संभावना है। राम की तो छोड़िए, बुद्ध की जो संभावना थी वही आपकी संभावना है, महावीर की जो संभावना थी वही आपकी संभावना है। तो अपने चरित्र का, अपने चरित्र का जब आप पाठ करेंगे तो इससे आपकी मुक्ति हो सकती है, किसी दूसरे के चरित्र के पाठ से कोई मुक्ति नहीं होनी है, वो तो छलावा है, भ्रम है। तो जहाँ तक तंत्र की बात चल रही थी, तंत्र आप समझिए, तंत्र का मतलब ये है कि आदमी बिल्कुल अपने सारे संस्करण को, कल्चरलाइजेशन ऑफ द मैन है, उसी ने आदमी को इतने बहुत सारे आवरणों में लपेट रखा है कि वो स्वयं का चेहरा ही नहीं देख पाता। सोगी जी वो शीशे में देख रहा है, अपने ही बाल काट रहा है, अपनी ही नाक देख रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसका चेहरा देख रहा है, पता नहीं कौन से मानक तलाश रहा है वो अपने चेहरे में। नाक कैसी हो, आँख कैसी हो, दाढ़ी कैसी हो, फलाना कैसा हो, धमाका कैसा हो, हम अपने साथ राजी ही नहीं है। क्यों? ना हम अपने खाने के साथ राजी, ना हम अपने पीने के साथ राजी, ना सोने के, ना उठने के, ना बैठने के, ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ राजी, ना अपनी बीवी के साथ राजी। और जो हमारी अपने की परिधि में आता है वही सब कुछ कर रहा है। ये बॉटल है, ये ग्लास है, ये नमकीन है, ये मीट है, ये सर्वोत्तम है, दिव्य है, ये कहते हैं, इसको कहते हैं। मैंने उस दिन चर्चा की थी पॉजिटिविज्म की, विधेय। मेरे साथ सौबीर बैठे हैं, ये इस धरती के परम प्रसाद हैं, आज मुझे ऐसा अवसर मिला कि मैं इनके साथ बैठा हूँ। अस्तित्व कब किसके माध्यम से हमको क्या दे दे, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। सोगी, एक छोटा सा ग्लास आपको वैराग्य दे सकता है, एक भरा हुआ ग्लास आपको संतोष दे सकता है। सारी संभावनाएं इसी संसार में हैं। यह संसार 50% रियली डिवाइडेड, 50% सार है, 50% असार है। लेकिन सार नहीं होगा तो असार की आप प्रतीति भी नहीं कर पाएंगे, जैसे अंधकार न हो तो आप उजाले की प्रतीति नहीं कर पाते। यह अस्तित्व जिसने हमें सृजा है वो हमारा शत्रु नहीं है, वो हमारा परम मित्र है। अब ये भक्त गधे कहते हैं, उन्होंने हमको लोभ मोह में उलझाया। सारे लोभ मोह में उलझाओगे, उलझाया ना होता तो तुम छूटने की अपनी सामर्थ्य का आकलन कैसे कर पाते। एक अवसर पर हमारा अज्ञान था, ज्ञान की ओर हम बढ़े, परिश्रम किया, अपनी संवेदना को संजोया, अपनी शब्द सामर्थ्य को संजोया, अपनी स्मरण शक्ति को देखा, तो ही तो आज हम इस स्थिति में हैं कि हम चार लाइन लिख सकते हैं। तो तंत्र की जो साधना है, मैं अब आपको उदाहरण एक देता हूँ। मेरी एक सन्यासिनी मित्र थी यहाँ
लखनऊ में ही हम दोनों लोग साथ साथ साधना करते थे। मैं ओशो आश्रम में था और वहाँ रात में हम लोग सेंट्रल होटल में आते थे, वहाँ हम लोगों ने कमरा ले रखा था और उस समय ओशो किसी तंत्र सीरीज पर ही बोल रहे थे। मैं खाने का पैकेट खोल रहा था, तब तक उसने कहा, तो मुझे देखना चाहते? हमने कहा, देखना चाहना तो प्रारंभ है भाई। उसने यूं अपना चोगा उतारा और हमारे लैप में आकर बैठ गई और हम लोग डॉर्मेट्री में थे। देखिए ऐसा है, हमारे यहां सेक्स को टैबू बनाया गया, उसकी सहजता को नष्ट कर दिया गया, जबकि सेक्स से कंप्लीटली गुजरे हुए बगैर कोई बुद्ध नहीं हो सकता, कोई बुद्ध नहीं हो सकता। विनोबा भावे जैसा चूतिया कोई संत हो सकता है जो साला रात में सड़का मारता हो कहीं जो बुढ़ापे में 60 साल की उम्र में? ये कौन तर्क है? नहीं, मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ। ये कौन तर्क है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। तो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं। नहीं, प्रवृत्तियों से नहीं मतलब है, प्रवृत्तियां आपकी कोई आपके हिसाब से थोड़े बनाई गई, वो जनरल बनाई गई। सेक्स सड़का मारना कि गलत? सेक्स इज द, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं भी कभी कभी यूज कर लेता हूँ लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ग्रंथ ही नहीं है, मुझे कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये मेरी कोई गांठ नहीं बनती। सहजता में जो सहजता में जैसे चाय भी लेता हूँ, वैसे वो भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आप जितना सहज रहेंगे उतना ही सारी चीज आपको ऊर्जा देगी। हम कह रहे हैं ये है इसके साथ अभी, अरे यार मैं मर ना जाऊं, अरे मुझको ये ना हो जाए, अरे मुझको वो ना जाए, तो साले इस पे पैसा काहे खर्च किया भैया, ना लाके इसको सहजता से लोगे तो ये आपकी मित्र है। मैं थोड़ा असहमत, शत्रुता आप असहमत बिल्कुल रहिए, अगले जन्म में आप सहमत होंगे, अभी नहीं होंगे। मैं उसके उस मूर्ता में रहते नहीं, अगले जन्म में पिछले जन्म आप न रहिए, ये तो डिवाइन कोडिंग है, इसको आप इरेज नहीं कर सकते। आप अपनी वजह से यहाँ हो क्या? इस समय आप मेरे सामने बैठे हो अपनी वजह से ना? एक डिवाइन कोडिंग है जिसकी वजह से आप यहाँ हो, जिसकी वजह से ये यहाँ है, जिसकी वजह से मैं हूँ, जिसकी वजह से यशवंत है। वही तो पंचभूत है। नहीं, पंचभूत का एक संयोगिक पल भी तो होता है। वही तो है भाई, जैसे आपका मुंह भी है और पानी भी है, तो पानी पी लिया आपने। हमारा मुंह ना हो पानी हो नहीं पी सकता, पानी ना हो मुंह हो नहीं पी सकता। तो जिस अघोर की हम बात कर रहे थे, अघोर है सहजता, नितांत सहजता। सड़का भी मार रहे हो तो सहजता, जैसे कोई आप अनुष्ठान कर रहे हो, कोई धार्मिक कृत्य कर रहे हो, कोई आप मेडिटेशन कर रहे हो, जस्ट बी विद इट। हम हमारी दिक्कत क्या है सुबीर जी, मैंने जहां तक मैंने देखा, हम जो करते हैं वहां नहीं होते। देखिए मैं फिर बहुत अपना स्पष्ट करूं कि आपने मुझे बताया कि खजुराहो की मूर्ति रात में आई है तो प्रशांत दिखाई देती है। नहीं, वो दिन में अगर सेक्स हो रहा है तो उसके आवेग है, अगर वो आवेग नहीं है तो संभोग का कोई मतलब नहीं है। हाँ। निरुद्देश, सुनिए, निरुद्देश मूर्ता है। अच्छा। अगर आवेग नहीं, मेरी बात तो करिए। हाँ, करिए करिए। अगर आवेग नहीं है और आवेग उस पूरी क्रिया को और मजबूत करते हैं, पुख्ता करते हैं, तो अगर कोई प्रशांत भाव से सहवास कर रहा है तो वो शशवत कर रहा है, वो शिशुवत नहीं कर रहा है, वो शववत कर रहा है। संभोग अपने आप में एक बहुत ही खोजना एक किलोल कर्म है, उसके साथ वो भाव अनिवार्य रूप से मौजूद है। ये किलोल कर्म किसने बताया है? क्या वो एक किलोल कर्म है? हाँ। ये किसने बताया? हमने बता रहे, मैं किलोल करता हूं, मैं हर एक चीज को नए नए तरीके से देखने की कोशिश नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि दूसरा संभोग के साथ किसी दूसरे तल पर भी हो सकता है जिसमें गहन प्रशांति हो?
आप निगेट तो नहीं कर सकते। देखिए भाई गांड मराता वो भी चिल्लाता है भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, उसके अपने अवेग है नहीं हुआ। अरे तो यार बढ़िया चिकनाई लगा लेगा नहीं चिल्लाएगा तो फिर मराने क्या जरूरत क्या है। खैर मेरे उसके आवेगों पर बात की है ना, आवेग अगर प्रशांत है आप संवेग पे क्यों नहीं बात करते हैं? हम उसी पर बात कर रहे हैं। नहीं ना आप आवेग पर बात कर रहे हैं भाई, आवेग और संवेद वही तो है, संवेग में ही तो खेल लड़ जाता है। मैं भाई कह रहा हूँ लेकिन वो क्रियाशील है वहाँ योनि प्रशांत नहीं, वो प्रशांत नहीं है। माय डियर सोवीर जी वहाँ योनि भी है और लिंग भी है। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ संघर्ष हो रहा है तो संघर्ष में प्रशांत कैसे हो सकता है? नहीं नहीं संवेग इसी से बना है संभोग, भोग नहीं कहते हैं। हाँ। हम संभोग की बात कर रहे हैं। हाँ। हम भोग की बात नहीं कर रहे। अरे भाई वही कर रहा हूँ, निरुद्देश्य तो कोई काम नहीं है। नहीं नहीं निरुद्देश्य की यहाँ बात नहीं हो रही है। हाँ। बात ये हो रही है जब आप संवेग कहते हैं तो आपको सम को साधना पड़ता है। वही तो कह रहा हूँ आपसे, उसमें क्रिया है और क्रिया प्रशांत नहीं हो सकती। आवेग में आप अपने आवेग के अनुसार चल रहे हैं, संवेग में आपको दूसरे के आवेग से समान एक स्तर और लय खोजनी होती है। जो मुझे तर्क थे मैंने कह दिए, आप आगे बढ़ाइए क्योंकि मैं आपसे ऐसा होता हूँ। आगे उस मुद्दे पर आप आगे बढ़िए। अच्छा हाँ, तो मुझे स्वतंत्रता है। अब मुझे लगता है कि वो विषय ही लाकर मुझे किसी दिन आपके सामने रख खड़ा होगा। सारी बात करिए कि मैं संभोग के भीतर भी बिना शांत रह बिना संवेग आवेगों के मैं संबंध नहीं हो सकता। भैया मेरे संवेग आवेग दो चीजें। अरे भाई कोई भी हो क्रिया तो वो संवेदन स्पंदन नहीं होगा तो फिर उसका मतलब क्या? वो खूब स्पंदन हो रहा है लेकिन समान समान को कैसे तुला पर तोलोगे? मैं आपसे असहमत इस मुद्दे पर, पर्टिकुलर इस मुद्दे कैसे तुम? चलो ठीक है पर्टिकुलर इस मुद्दे पर मैं, चलो ठीक है मैं असहमति और सहमत को लेकर के कोई अपनी धारणा नहीं बनाता। तो मैं क्या बना रहा हूं? आप असहमत हो तो भी मुझे उतने प्रिय हो और सहमत हो तो भी। हां ठीक है तो हम कहा कह रहे हो तो सुनी हो कोई का हमें तो नहीं कहा। नहीं ये नहीं कहा मैंने, हमने आपको बताया कि मैं उस पर असहमत हूं। इसको लेकर के कोई मात्रात्मक और गुणात्मक संवाद को मोड़ने की जरूरत नहीं। तो हम कहा कह रहे हैं? मेरे कहने का मतलब केवल इतना था कि देखिए जीवन का सबसे अब आपके आवेग पर आता हूं, जीवन का सबसे प्रबल आवेग काम है, इससे प्रबल आवेग और कोई नहीं है, और जीवन का प्रबल संवेग भी काम है। ये दोनों स्थितियां काम के साथ ही जुड़ती हैं। आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं आपकी बात का समर्थन तो शुरू से कर रहा हूं, आप ही बीच में उसमें वेग ले आए। ये दोनों जीवन के आवेग और संवेग। आवेग मतलब ये कि आप में एक ऊर्जा है, त्वरा है, तीव्रता है और एक शीर्ष तक पहुंच जाने की बेचैनी है, आग है। संवेग का मतलब केवल इतना है, आपकी वो आग स्वीकार्य है, वो तो परम सात्विक है, परम आवश्यक है, लेकिन जो दूसरा धारा के रूप में आपके साथ है जिसने आपको धारण कर रखा है उसका भी वेग आपके अनुपात में ही रहे, सम पर रहे, सम पर, सम यानी सम्यक, यही साधना है। बुद्ध ने यही कहा सम्यक ही साधना है और कोई साधना नहीं है। सम्यक ये बहुत कठिन है। संभोग लोग 60 साल 50 साल स्त्री के साथ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ इंटरकोर्स करते हैं, संभोग बहुत बिरले लोगों के जीवन में घटित होता है, और जब भी संभोग घटित हो जाएगा आप वही आदमी नहीं रह सकते जो आदमी आप पहले थे।